आज नव वर्ष का दिन है और हमारे लिए जैसा आपने सुना और भी सौभाग्य का विषय है कि आज पूज्य पंडित जी का भी जन्मदिन है। जयंती पहले तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके लिए यह नव वर्ष शुभ। दूसरी बात जो जयंती के बारे में है, गुरु महाराज कहते थे कि जयंती का मनाने का मतलब यह नहीं है कि मिठाई इत्यादि दिखा लें, कुछ उनके बारे में भाषण सुन लें या कह लें, बल्कि जयंती का अर्थ यह है कि कम से कम उस दिन एक गो उस महापुरुष का अपने जीवन में होता है। तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि आज कम से कम पूज्य पंडित जी का एक गुण अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। जैसा आपने सुना, पूज्य पंडित जी वह साधक थे जिनको तराश कर गुरु महाराज ने पत्थर से कीला बनाया। दो ही हीरे उन्होंने बनाए थे, एक पूज्य बिहारी जी, दूसरे और पंडित जी ऐसे व्यक्त थे जिन्होंने गुरु महाराज के कथनों को अपने जीवन में उतार। जैसे अभी आपने सुना, वह करता रहते हुए भी अकर्ता रहते। एक बार कुंडला भंडारे पर बारिश हो रही थी तो जिया के कमरे में जाकर बोले कि जिया बारिश हो रही है, सबको बहुत तकलीफ। यह कार्य वह स्वयं भी कर सकते थे परंतु माँ के। इसी प्रकार एक बार और बारिश हो रही थी, क्योंकि बाबूजी भी लखनऊ वाले वहाँ थे तो उनसे बोले कि बाबूजी या तो बारिश बंद कर दो वरना आपका पलंग बारिश में बिछा दे। मृद स्वभाव था, हंसी मजाक करते रहते थे, तो यह उनका स्वभाव था कि करता रहते हुए भी अकर्ता बने। किसी की भी सहायता करनी होती तो कह देते कि किया से कह देते, हालांकि सारी शक्तियां उनके पास। इसी प्रकार उन्होंने एक चीज अपने जीवन में और उतारी थी, वह गुरु महाराज का वह कथन था, कोई भी तुमसे द्वेष करता हो, घृणा करता हो, उसके बारे में बुरा विचार अपने मन में न लाओ, उदासी। तो एक बार की बात है कि अपने एक आचार्य पंडित जी से बहुत लोगों के बारे में कह रहे थे कि सरकार वह यह करता है, वह यह करता है। बहुत देर तक पंडित जी सुनते हैं, क्योंकि वह चाहते थे कि उनमें से अंदर से यह भाव निकल जाए। फिर जब वह चुप हो गए तो बोले कि तुम इस सत्संग में किस लिए आए। तो वह बोले कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आए थे। तो बोले कि फिर इन सब बातों को तो गुरु महाराज पर छोड़ दो, वह देख रहे हैं, तुम तो अपने उद्देश्य प्राप्ति में लगता। इस प्रकार उनका जीवन ऐसा था जो उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं गुरु की इच्छा में मिला दी। वह काम भी ऐसे ही करते थे जैसे गुरु महाराज कहते थे कि मैं तो केवल बैठ जाता हूँ, गुरु महाराज जी संभालते हैं। इसी प्रकार हर कार्य के लिए पंडित जी का भी यही वाक्य था कि गुरु महाराज जी संभालते। यह सब उनके महान होने का लक्ष्य। इस समय ये नैवेद्य रखा है, फिर 2 मिनट आंख बंद करके ध्यान करें और गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि हमको ऐसी शक्ति दें जिससे कि इस नव वर्ष में कम से कम पंडित जी का एक गुण हम अपने जीवन में